नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और किरण रिजिजू ने कैप्टन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें, कैप्टन ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भी बीजेपी में कर दिया है, जिसके बाद पंजाब की सियासत में बीजेपी को नया साथी मिला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब के सियासी गलियारों में इन दिनों बीजेपी की धमक सुनाई दे रही है। पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही भारतीय जनता पार्टी को अब नया साथी मिला है। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किरण रिजिजू ने कैप्टन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। खास बात यह है कि कैप्टन अकेले बीजेपी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस यानी पीएलसी का विलय भी बीजेपी में करा दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अमरिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने समर्थकों से चर्चा की थी। इसमें तय हुआ कि पंजाब का भविष्य देखना है तो बीजेपी के साथ विलय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी और बीजेपी की विचारधारा एक ही है। मिनिस्टर साहिबान और आज साढ़े इतने विराजमान सारे मेरे साथी और साढ़े पार्टी ने सारे मेरे इधर सारे नहीं आ सके, कुछ दूजे कमरे के विच भी ने, असीं सारे उरे आए हैं इसलिए कि मैं बाहर जान तो पहला जो मेरा थोड़ी स्पाइन की प्रॉब्लम सी, मैं सारे नाल विचार किते और सारे दे विचार से कि अगर अपने पंजाब का कोई भविष्य देखना है बढ़ता तो हम समय आ गया कि आप बीजेपी नाल मर्ज करिए। तो मैं उदों फिर लिख दिता सी प्राइम मिनिस्टर साहब न, होम मिनिस्टर साहब न, नड्डा साहब न, सारे नू कि मैं जाया वा, ऑपरेशन कराया वा और उस बाद मैं जब आऊँगा तो फिर मैं थोड़े नाल संपर्क जोड़ के वो तो बाद असी थोड़े विच शामिल होवांगे। सारी पूरी संस्था जो साड़ी है जिन्हां दी विचारधारा इको ही है साढ़े वर्गी, जो मैं आज गल कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी पीएलसी बनाई और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी की आंधी में बीजेपी और अमरिंदर दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा था। बता दें, ये वही अमरिंदर है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। खुद को किसानों का मसीहा कहलाते थे। इन्होंने ही तीनों कृषि कानून को किसान विरोधी बताया था। बताया जाता है कि कैप्टन ने ही कृषि आंदोलन चलाने के लिए फंडिंग की थी। लेकिन कुर्सी का नशा देखिए, कैप्टन ने पहले कांग्रेस को लात मारी और अब उसी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, जिसको वो हमेशा से किसान विरोधी बताते आए हैं। वही कैप्टन के साथ आने से बीजेपी को राज्य में नई संजीवनी मिली है। अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी भी लंबे समय से पंजाब में मजबूत सिख चेहरे की तलाश कर रही है। बीजेपी कैप्टन के राजनीति अनुभव के जरिए साल 2024 का चुनाव जीतने की कवायद कर रही है। बहरहाल ये राजनीति है, यहाँ सब कुछ संभव है। अब देखने वाली बात ये है कि कैप्टन के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पंजाब की राजनीति में अपनी जगह बना पाएगी या आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सियासी पारी में सेंध लगा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।